इसराइल पर एक बार फिर यमन के हूती विद्रोहियों ने हमला बोला है। पहले ड्रोन तो बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल को दहलाने की कोशिश की है। बीते शनिवार 14 सितंबर को यमन के हूतियों ने इसराइल और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ फरमान जारी किया था, जिसमें कहा था कि दुश्मनों ने समुद्र में हार का स्वाद चखा है। और समुद्र में जो हुआ वह जमीन पर होने वाली घटनाओं से बहुत दूर नहीं है। इस चेतावनी के 24 घंटे के भीतर ही यानी 15 सितंबर को दावा है कि यमन के हूतियों ने इसराइल पर एक बड़ा हवाई हमला कर माहौल को गर्मा दिया है। इजरायली सेना ने बताया कि यमन से सेंट्रल इसराइल पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल दागी गई। इससे राजधानी तेल अवीव और पूरे सेंट्रल इसराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिससे एक बार फिर इसराइलियों में दहशत देखी गई और उन्हें जान बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर्स की ओर भागना पड़ा। इसराइली सीमा में घुसकर एक और भीषण हमले से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इजरायली सेना ने बताया कि मिसाइल पुरुस से सेंट्रल इसराइल में प्रवेश कर रही थी, जो एक खुले इलाके में गिरी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दावा है कि इस इलाके में तेज धमाके भी सुने गए, जिस पर सेना ने बताया कि ये मिसाइल इंटरसेप्टर से आए थे जिन्हें लॉन्च किया गया था। बता दें कि इससे पहले जुलाई महीने में यमन के हूतियों ने तेल अवीव पर एक लंबी दूरी का ड्रोन दागा था। इसमें एक शख्स की जान चली गई थी, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए थे। इसके बाद इसराइल ने यमन के हुदैदा बंदरगाह के पास हूतियों के सैन्य ठिकाने पर बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए और 87 लोग घायल हुए। इसराइल के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सेंट्रल इसराइल के पास रूट 1 नेशनल हाईवे के पास झाड़ियों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जाहिर तौर पर इसराइल रक्षा बलों की ओर से यमन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की कोशिशों के बाद छर्रे से निकला है। एक तस्वीर में तेल अवीव से करीब 25 किलोमीटर पूर्व में मोदीन के बाहरी इलाके में ट्रेन स्टेशन पर एस्केलेटर को नुकसान दिखाया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि यमन से छोड़े गए बैलिस्टिक मिसाइल के बाद नागरिकों के लिए दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि मिसाइल को रोका गया था या नहीं। बता दें कि एक दिन पहले ही यमन के रक्षा मंत्री और सेना में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इसराइल और अमेरिका को चेतावनी दी थी। कहा था कि जो आने वाला है वह पहले सामना की गई किसी भी चीज से अधिक कठोर और गंभीर होगा। दोनों जनरलों ने हुदैदा बंदरगाह को निशाना बनाने के इजरायली हमले का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने इसराइल को चेताते हुए कहा कि आने वाले दिन ऐसे झटके लेकर आएंगे जिसकी दुश्मन देश ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जनरलों ने दोहराया कि यमन कड़ी मेहनत से जवाब देगा और ना तो माफ करेगा और ना ही भूलेगा। दुश्मन देश को उस दिन का पछतावा होगा जब उसने उस पर हमला किया था।